शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कृषि क्षेत्र में कानून और व्यवस्था में बदलाव किए गए। पिछले 5 जून को निर्णय अनुसार 1 कृषि व्यापार और व्यवसाय विधेयक, 2 अनुबंध कृषि विधेयक और 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक। इन तीनों विधेयकों को केंद्र शासन ने मंजूरी दी। महाराष्ट्र के किसानों की ओर से और किसान संगठन की ओर से तहसीलदार श्री राम मुंदड़ा को आज ज्ञापन देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव भेजा गया। नए विधेयक के अनुसार किसानों को देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, कंपनी, संस्थान, प्रक्रिया उद्योग को बिना लाइसेंस, बिना किसी कर उपकर खेती उत्पादन बेचने की अनुमति दी गई है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम से पिछले 5 वर्षों के औसत को बेचने में सक्षम करेगा। जब तक फल सब्जियों की कीमतें 100% से अधिक एवं अनाज की कीमतें 50% तक नहीं बढ़ जाती, तब तक साठेबंदी कानून का उपयोग नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर बिल किसी भी किसान को किसी भी कंपनी, संस्था या व्यक्ति के साथ एक सीजन से 5 साल के लिए कानूनी रूप से समझौता करने की अनुमति देता है। भले ही ठेका कंपनी, व्यक्तिगत संगठन किसानों की जमीन पर बुनियादी ढांचे का निर्माण करे, लेकिन कृषि भूमि का स्वामित्व किसानों के नाम पर ही रहेगा। यह विधेयक विभिन्न कानूनों द्वारा लगाए गए बंधनों से कृषि उत्पादन को मुक्त करने की दिशा में पहला कदम है। इसलिए क्षेत्रीय संगठन ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए केंद्र सरकार को मूल्य वृद्धि की किसी भी शर्त के बिना सभी कृषि वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम से मुक्त कराने की मांग भी की गई। तहसीलदार मुंदड़ा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए एक ज्ञापन के माध्यम से किया गया है। प्रतिनिधि मंडल में श्री बाबाराव दीवान जी, हेमराज इखार, रमेश राव बोबड़े, साहेब राव एड़े, अजब राव राउत, गणेश मोटे, चंद्रमणि भगत, सुधाकर राव अगड़े, अभिजीत लाखे, मोरेश्वर वाघमारे, पुंडलिक हुड़े, संदीप ठाकरे, विजय ठाकरे, अंकुश चेले, राजू नगराले, राहुल हरणे, मोरेश्वर राव खड़से और कई अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे। इस विधेयक के लागू होने के बाद भी बाजार समिति के परिसर में भी बाजार, निजी बाजार जारी रहेगा। किसानों तक पहुंचने वाली तीसरी नई बाजार प्रणाली को देखते हुए इस विधेयक की मंजूरी से किसानों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। यह व्यवस्था राज्य में मार्केट कमेटी के कर्मचारियों और पदाधिकारियों की आय को कम करेगा, जो उनकी नौकरियों और पदाधिकारियों के राजनीतिक प्रभाव को प्रभावित करेगा। इस कारण कुछ संगठन और दल भविष्य में बिल का विरोध कर सकते हैं। विरोध के बावजूद किसानों और व्यापारियों के हित में इस विधेयक का कार्यान्वयन जारी रहना चाहिए, ऐसी शेतकरी संगठना की मांग है। हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट। 5 जून एक 3 विधेयक अंमलबजावणीसाठी आणले के शेतीविषयक व्यापार आणि करार, एक करार शेती आणि जीवनावश्यक वस्तू सुधार कायद्याची दुरुस्ती, या तिन्ही विधेयकामुळे शेतमाल जवळपास निर्बंधमुक्त होणार आहे आणि देशातल्या कोणत्याही व्यापाऱ्याला किंवा खरीददाराला ज्याच्याकडे पॅन कार्ड आहे तो पॅन कार्डधारक व्यक्ती देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याचा कोणताही शेतमाल खरेदी करू शकेल अशा प्रकारची तरतूद खुल्या बाजाराची तरतूद या विधेयकामध्ये आहे। इतकंच नव्हे तर फळ आणि भाजीपाला आणि धान्य याच्या एका मर्यादित किमतीच्यावर भावाची वाढ झाली नाही तर तो शेतमालसुद्धा जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतून बाहेर काढून साठेबंदी कायदा त्यावर वापरणार नाही अशा प्रकारची दुसरी तरतूद आणि तिसरा करार शेती ही कायदेशीर संवैधानिक स्वरूप तिला दिलं आणि 5 वर्षापर्यंत कोणताही शेतकरी कोणत्याही कंपनीशी, व्यापाऱ्याशी, उद्योजकाशी आपल्या शेतीचा करार करू शकतो पण त्याच्या शेतीवरची जी मालकी हक्क आहे ती अबाधित राहणार आहे अशा प्रकारची दुरुस्ती असलेले हे 3 विधेयक महाराष्ट्रामध्ये केंद्र सरकारनं मंजूर करून महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवले आणि महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा त्याची अंमलबजावणी केली। म्हणून शेतकरी, महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याच्या वतीने शेतकरी संघटनेच्या संपूर्ण शेतीमाल हा निर्बंधमुक्त करा ही जी 40 वर्षापासूनची मागणी होती त्या मागणीच्या पूर्ततेच्या दिशेने शासनाने एक पाऊल पुढे टाकल्यामुळे शेतकरी संघटना केंद्र सरकारचे आणि राज्य सरकारचे अभिनंदन करते, धन्यवाद देते आणि
या विधेयकाला जो काही विरोध होते आहे त्या विरोधाला न जुमानता विशेषतः महाराष्ट्रातल्या बाजार समिती याचा विरोध करते आहे, बाजार समितीचे कर्मचारी आणि पदाधिकारी विरोध करते आहे, कारण बाजार समितीचं अस्तित्व हे धोक्यात येऊ शकते म्हणून त्यांचा विरोध आहे। पण या विधेयकाने शेतकऱ्याचं हित आणि जे व्यापार उद्योजक आहे त्यांचं हित साधल्या जाणार आहे म्हणून या खुल्या बाजाराच्या या विधेयकाला शेतकरी संघटना पाठिंबा देते आहे आणि सरकारला विनंती करते की कुणाच्याही विरोधाला न जुमानता सुरू केलेली सुधारणा ही कायम ठेवावी अशी विनंती करते।